फिर से दोस्तों एक बहुत ही बड़ा बदलाव आप सभी को देखने को मिला है, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और साथ ही दोस्तों राजस्थान के जितने भी युवा हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट का कंफर्मेशन चाहते हैं कि क्या जो यह सरकार है वो अपने निर्धारित समय पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है वो कराएगी या नहीं कराएगी, क्योंकि लगातार ऐसी आप सभी को न्यूज़ हमेशा अपडेट हो रही हैं जब से इस सरकार का गठन हुआ है कि हो सकता है कि आने वाले समय में RPSC जो है इस पेपर को पोस्टपोन कर दे और इसकी जो डेट है वो आगे कर दे। दोस्तों आज ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवारों को कन्फ्यूज़ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से इस सरकार का निर्णय था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है बदल चुका है। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान के युवाओं को अपनी भर्तियों को लेकर विवादित होना पड़ता था या विवादित होती थी, उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए इस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। यानी कि दोस्तों अगर आप आज दैनिक भास्कर की जयपुर की अगर न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें आज के सरकार ने SIT का यहाँ पर गठन किया है। और इस गठन में दोस्तों यहाँ पर दो कमेटी बनाए गए हैं, यानी कि दो गठन किए गए हैं, जिसमें कि पहला तो वो राजस्थान के जो हैं जो पूरे चीज़ों पर ध्यान देंगे, और दूसरा जो है यहाँ पर जो है पेपर लीक संबंधित जितने मामले हैं उनकी जितनी मास्टरमाइंड है उन सभी पर जो है यहाँ पर गौर तलब करेंगे और उन सभी माफियाओं को, पेपर लीक माफियाओं को यहाँ पर जो है जकड़ेंगे। दोस्तों इस तरह से गठन किया गया है, तो क्या इस गठन से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है क्या वो रुक सकती है या नहीं रुक सकती है, आखिर इसको लेकर क्या अपडेट है, तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यह न्यूज़ दिखा दूँ, दैनिक भास्कर की दोस्तों ये न्यूज़ है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पेपर लीक जाँच को लेकर गठन SIT को लीड करेंगे ADG VK सिंह, और देख सकते हैं कि आज जो है दिल्ली जाएंगे यहाँ पर जो है CM भजन लाल। यानी कि दोस्तों इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कि देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि पेपर माफियाओं को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो है स्पेशल इंटरेस्ट टीम जो SIT को यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है आप सभी के ADG VK सिंह को दिया गया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि एंड यहाँ पर जो है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का यहाँ पर गठन किया गया है। और इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी को शनिवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है आप सभी के लिए जो है राज्यपाल यहाँ पर जो है कलराज मिश्रा से वो मुलाकात भी दोस्तों यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जो यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनसे इन चीज़ों को लेकर वार्तालाप भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो वो मीटिंग होनी है दोस्तों 28 तारीख को, उस मीटिंग के बाद दोस्तों ये कन्फर्मेशन हो सकता है कि जो आप सभी के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी को होगी या नहीं होगी। दोस्तों अगर एक तरह की बातें देखें तो राजस्थान के अंदर ऐसी भी कई एग्ज़ामों को सेम डे पर पोस्टपोन किया गया है और जो उनकी तिथियां हैं वो भी बदली गई हैं, पर दोस्तों अभी तक यह कन्फर्मेशन नहीं कर सकते हैं कि जब तक उस मीटिंग का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आ पाएगा तब तक यह कहना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा कि जो आप सभी की एग्ज़ाम है वो होगी या नहीं होगी। ये एक कन्फर्मेशन न्यूज नहीं चल सकती है, क्योंकि अगर आप काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं तो यह देखने को मिल सकता है कि उम्मीदवारों में अभी भी ये आशंकाएँ हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस एग्ज़ाम को 1 या 2 महीने के लिए डिले भी किया जाता है। और लगातार उम्मीदवार इस डाउट में भी हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है उसे यह पोस्टपोन किया जाएगा। पर दोस्तों मैं आप सभी को शुरुआत से ही एक बात कह रहा हूँ कि अपनी जो स्टडी की फोकस है वो यहाँ पर 7 जनवरी को ही मान के चले, क्योंकि 50-50 आप यहाँ पर चांस ले सकते हैं, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उस पे अंदर कई सारे धांधली होते थे जिसमें कि आपने देखा है और आपने इन सभी चीज़ों को महसूस भी किया है, पर यह सरकार उन सभी चीज़ों पर रोक लगाना चाहती है और उम्मीदवारों को एक जो है जो उनके लिए भविष्य जो है वो उज्जवल देना चाहती है, जिनको लेकर वो जो है इन चीज़ों का गठन भी कर रहा है दोस्तों। पर दोस्तों यह फाइनल डिसीजन 28 दिसंबर के बाद ही होगा, उस मीटिंग के बाद ही होगा
कि इस मीटिंग में किस तरह की रणनीति करनी है या जो एग्ज़ाम होने वाली हैं अभी जो जो तुरंत ही होने वाली हैं प्रभाव से, उनको क्या रोकना अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है। ये एक सबसे बड़ा जो है कंफ्यूजिंग हो सकता है और यही कंफ्यूजिंग उम्मीदवार भी इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है। पर दोस्तों अभी ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है इसके रिगार्डिंग। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप सभी को 28 दिसंबर के बाद जो है कंफर्म हो जाएगी कि जो एग्ज़ाम है वो अपने निर्धारित समय पर होगी या नहीं होगी। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आएगी आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। और दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की हर एक अपडेट आप सभी को शेयर जरूर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।